नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएएसए एग्जाम 2022 छत्तीसगढ़ सर्कल की आंसर की के बारे में। ठीक है, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पे है, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर सब्सक्राइबिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सब्सक्राइब करने के लिए आपकी जो है एज सीमा क्या होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर है 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अप टू विच अमाउंट द डिविजनल हेड कैन सैंक्शन डिजीज क्लेम। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख तक कर सकते हैं। आगे है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर अवेलेबल इन हाउ मेनी डिनोमिनेशन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिनोमिनेशन में। रीडायरेक्शन चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, रीडायरेक्टेड चार्जेस जो है इनमें से कौन से आर्टिकल्स में लगते हैं, तो वह पार्सल्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल इफ पोस्टेड एट और एड्रेस टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए भेजा जाता है या फिर वहां से बुक किया जाता है, तो अधिकतम जो वजन है वो 10 kg रहेगा रजिस्टर्ड पार्सल का। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल इन एनी ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पासपोर्ट सर्विस, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार एनरोलमेंट, किसी न किसी पोस्ट ऑफिस में होता ही है, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। हाउ मच फीस इज चार्ज फॉर ट्रांसफर ऑफ पीओएसबी अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 rupees, अकाउंट ट्रांसफर अगर आपने करवाना है तो 100 rupees आपके चार्जेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, व्हेन वाज आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसे अप्रूव कर दिया था नवंबर 2012 में, इसीलिए आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ CBS एस्टैब्लिश्ड इन न्यू मुंबई, सॉरी नवी मुंबई, ओके राइट आंसर है नवी मुंबई में है ये। ठीक है, व्हिच फॉर्म इज एनेक्स्ड विद द आर्टिकल बीइंग एक्सपोर्टेड थ्रू पार्सल पोस्ट अंडर द सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी, तो राइट आंसर है फॉर्म डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सही, तो पीओ गाइड पार्ट 2 में आपने पढ़ा होगा एक्सपोर्ट वाली जो भी हमारा सेक्शन था वहां पे। ठीक है, हमने अच्छे से किया है कवर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 साल में। ठीक है, आगे, व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ द इनवॉइस ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर डिपो। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका 3 साल। ठीक है, वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को जो है कितनी समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है, तो 3 वर्ष तक है। एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म, ठीक है, एसओ डेली अकाउंट कौन से फॉर्म में बनाया जाता है, तो राइट आंसर है ECG 22। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ट्रेजरी पासबुक इज मेंटेन्ड बाय द सब पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी सब ट्रेजरी स्टेशन और हैविंग ट्रांजैक्शन विद बैंक इन विच फॉर्म। ठीक है, ट्रेजरर पासबुक कौन सी होती है, सिंपल सिंपल सा वो आप बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो राइट आंसर है और ACG 8 ट्रेजरी पासबुक होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस इन POSB सेविंग अकाउंट एज पर लेटेस्ट ऑर्डर। मिनिमम जो न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए POSB सेविंग अकाउंट में वो होना चाहिए 500 rupees, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द पोस्ट ऑफिस इज सबमिटेड बाय द पोस्टमास्टर फॉर अप्रूवल ऑफ द डिविजनल हेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म MS 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Which of the following offices does not keep any stock of bags? ठीक है, तो right answer है central bag office, कोई भी stock bag नहीं रखेगा। What contains the record of bags that are due to be opened in each set of CRC? ठीक है, question number 18, right answer है option number C, due mail list। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, Which of the following is maintained to tally the physical stock of bags with the closing balance of bag? चार ऑप्शन आपके पास इसमें भी थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी बैग बुक। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इशूइंग अ नॉन मेडिकल PLI पॉलिसी रूल्स 2011, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 years। अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और अ सेक्शन विद एक्सचेंज मेल
विद ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन इन द मल्टीपल ऑफ विच डिनोमिनेशन, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को किसके मल्टीपल में खोला जा सकता है, ठीक है, तो राइट आंसर है 1000, ठीक है, 1000 से खुलती है और 1000 के मल्टीपल पे ही ये खुलती है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स आर सप्लाइड टू एवरी सेट इन RMS, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी बैलेंस इन IPPB सेविंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, IPPB सेविंग अकाउंट में एट द एंड ऑफ द डे में बैलेंस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में इनमें से कौन सी जो सर्विस है वो अवेलेबल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ये सभी सर्विसें अवेलेबल होती है। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फॉर IPPB सेविंग अकाउंट, ठीक है, तो कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 जाएंगे हम, पोस्ट रेस्टांटे आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यूएबल आर्टिकल, ठीक है, वैल्यूएबल को छोड़कर जो पोस्ट रेस्टांटे होते हैं उनको एक महीने तक रखते हैं, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डेम्यूरेज चार्ज ऑन वैल्यूएबल पार्सल रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो 8वें दिन से ये शुरू हो जाते हैं, तो 8 राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी इंश्योर्ड व्हेन पोस्टेड, ठीक है, इनमें से किसे जब पोस्ट कर रहे हो इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है, कॉइन बैंक नोट बुलियन, तो राइट आंसर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भेजेंगे तो नन ऑफ दीज को इंश्योर करने की जरूरत नहीं है, बाकी इन तीनों को तो जरूरत होती है, ठीक है। व्हाट आर द चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी फॉर एन आर्टिकल, विंडो डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय विच ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाते हैं। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस PLI इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सुमंगल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरक्टिव वॉइस सिस्टम IVRS ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन सेटअप इन द प्लेस ऑफ वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हु इज द वेंडर ऑफ CSI इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, CSI का जो है वेंडर कौन था, तो उसका राइट आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऑप्शन नंबर बी, TCS शॉर्ट में। HRMS मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 का, CSI। विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, फिनेकल ओरेकल मैकमिश या फिर एंड्रॉइड, क्वेश्चन नंबर 36 था, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकमीश को यूज किया जाता है। आगे है, वेयर द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ PLI हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, PLI के लिए जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कहां पर एस्टैब्लिश किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन ईच HO में। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR, QR की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। इन CSI डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट DTR ऑफ अ पोस्ट ऑफिस कैन बी जनरेटेड थ्रू विच ट्रांजैक्शन कोड, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ZFR डे न्यू, बीच में बस आपको जो है हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर लगाना है। व्हाट शुड बी द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ प्राइमरी नेटवर्क इन एनी पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी नेटवर्क का जो है मिनिमम बैंडविड्थ 512 KB होना चाहिए, KBPS होना चाहिए, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन किस आर्टिकल के लिए कंपल्सरी है, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज के लिए, सभी के लिए कंपल्सरी है। द सेक्शन प्रोवाइडेड ऑन द सॉर्टिंग केसेस शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, तो हाउ मेनी ईयर्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 42 का, 2 साल की, ठीक है। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर, लेटर का मैक्सिमम वेट हो सकता है 2 kg। आगे बढ़ेंगे, 44, व्हाट इज द सिस्टम अवेलेबल फॉर डिस्पैच रिसीप्ट ऑफ स्पेशल बैग ऑफ प्रिंटेड पेपर्स टू फॉर्म एड्रेसी सेंडर इन द फॉरेन कंट्रीज, राइट आंसर है बल्क बैग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ पैकेट ऑफ लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज परमिसिबल फॉर एन एरोग्राम, एरोग्राम के लिए जो मैक्सिमम साइज परमिसिबल है, क्वेश्चन नंबर 46, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 90 × 140 mm। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
एवीज डी रिसेप्शन, ठीक है, तो राइट आंसर है इसका एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच एन इंटरनेशनल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड इन इंडिया, तो राइट आंसर है 10,000 तक के लिए, ठीक है। वेयर इज द, देखिए हमने कहा था 10,000 ही, अपडेट नहीं हुआ है, आप लोग नहीं मान रहे थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पा एवियन, पा एवियन का क्या मतलब होता है, बाय एयर मेल होता है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास है, 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 44 क्यों आ गया, अच्छा डबल है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाएंगे, तो 53 है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड ऐड हुए हैं प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 42nd अमेंडमेंट में हुए हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी देता है 14 से 18 जो आर्टिकल है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, द स्टडी ऑफ फिनोमिनन एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक है, अति निम्न तापमान पर होने वाली परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइरोजेनिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका 55 का। 56 पे चलेंगे, इफ 15% ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय टू, देन व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 है नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 20। अगला क्वेश्चन है, कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, कथक उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 का, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड है, 59 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 12। आगे बढ़ेंगे तो आगे है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के पहले तीर्थकर थे, क्वेश्चन नंबर 61 ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे तो आगे है क्वेश्चन नंबर 62, ही हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो राइट आंसर है रास बिहारी बोस, ठीक है। आगे चलेंगे, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935, 1935 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64, 64 की तरफ चलेंगे तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, ठीक है, जो दूसरी आकृति है वो सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे, ये मैंने ही किया, ठीक है। फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज बिलो, ठीक है, मिसिंग एलिमेंट आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 65 में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GIK। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, 66 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 kg। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, तो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17% प्रॉफिट। और क्वेश्चन नंबर 68 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 25 days। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 204, और क्वेश्चन नंबर 70 में भी राइट आंसर हो जाएगा 40 days, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 72 पे आपका राइट आंसर भी यहाँ पे भी ए ही है, और क्वेश्चन नंबर 73 में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1250 meters, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64। क्वेश्चन नंबर 76 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39,000। क्वेश्चन नंबर 77 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। क्वेश्चन नंबर 78 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 20। क्वेश्चन नंबर 79 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 81 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 83 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 84 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 91। क्वेश्चन नंबर 85 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 में ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। 86 भी आपकी आकृति वाला ही है, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अपने आगे तो क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे VU। आगे बढ़ेंगे जब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 45। आगे बढ़ेंगे अपने 88 का है 88 हमने नहीं 88 की ओर 88 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर 89 की ओर बढ़ेंगे जब हम ऑन सेलिंग ऑफ 17 बॉल्स ₹720 ये वाला क्वेश्चन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ₹60 हो जाएगा 89 में। ठीक है, 90 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4100 91 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 91 में सी, 92 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और 93 में, ठीक है, जो 93 आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और जब इससे आगे बढ़ेंगे हम 93 से आगे 94 की ओर, तो 94 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और 95 में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये भी डी ही है 95 में 1200। ठीक है, और 96 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 97 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 105%। 98 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 2.4%। 99 में आपका राइट आंसर होगा सी 6 ईयर, और 100 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर एक्सपीरियंस वर्टिकल रेस ऑफ द सन ड्यूरिंग नून, तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे होती है हमारी आज की ये वीडियो समाप्त। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप पहले कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें अपने डाउट डाल सकते हैं, हो सकता है कोई बीच में गलत हो, है ना। तो बाकी अगर आप इस वीडियो को देख कर इंजॉय किया आपने तो इसे लाइक कर दें, अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।